गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, हमने राजनीतिक विज्ञान लिया है, अध्याय 14 है। अध्याय का नाम है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू कोड बिल 1952 और 1956, हिंदू कोड बिल के प्रस्ताव। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने पहले आम चुनाव की महत्वपूर्ण बातें, चुनाव की नीति एवं व्यथाएं के बारे में अध्ययन किए हैं। आज हम हिंदू कोड बिल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आम चुनाव में हिंदू महिलाओं को समाज में अधिकार दिलाने के लिए तथा जाति पाति भेदभाव को दूर करने के लिए, उसकी जड़ों को कमजोर करने के लिए, महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए क्या किया गया? हिंदू कोड बिल तैयार किया गया, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के देखरेख में यह कार्य समर्थन हुआ। उन्होंने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, पर रूढ़िवादी परंपरावादी लोगों ने इनका घोर विरोध किया। वे महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में नहीं थे। उस समय अंग्रेजी शासन के समय जैसे चोरी हत्या के समान सभी के लिए एक ही कानून थी, पर जैसे उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेना, संपत्ति, विवाह, तलाक जैसे कानूनी मान्यताएं धर्म के अनुसार, सभी धर्म के अनुसार अलग अलग थी। उस समय पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता की संपत्ति को पर पुत्र का ज्यादा अधिकार होता था। पुरुष प्रधान समान था। महिलाओं की स्थिति क्या मानी जाती थी? निम्न मानी जाती थी। उनका कार्य केवल घर के दायित्व तक ही सीमित रखा जाता था, पर हिंदू कोड बिल में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की बात की गई। हिंदू महिलाओं को जाना जाता है स्वतंत्रता से पहले जब विश्व युद्ध हुआ तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कोड तैयार किया गया, हिंदू जिसको हम हिंदू कोड बिल के नाम से जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है, अगर घर का मुखिया मृत्यु बिना किसी मृत्यु से वसीयत बनाता है तो पत्नी एवं पुत्री का घर की संपत्ति पर पुरुषों के समान अर्थात पुत्र के समान अधिकार रहेगा। ठीक है, यदि कोई महिला पति पत्नी आपस में तलाक करते हैं तो दोनों की समान पर समान अधिकार होगा। अंतर जाति विवाह को कानूनी रूप से क्या दी जाएगी? मान्यता दी जाएगी। महिलाओं को समाज में क्या लाया जाएगा? आगे लाया जाएगा। अतः किसी महिला बिना महिला या पुरुष पति या पत्नी के मरे बिना दूसरा पुनर्विवाह नहीं कर सकता। यह नियम पहले महिलाओं पर लागू हुआ। ये था हिंदू कोड बिल के महत्वपूर्ण प्रस्ताव। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।